कि अगर सरकार इसी तरीके से काम करती है, नहीं हमारी बातों के ऊपर ध्यान देती, तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेंगे। कौन सी बात कर रही है सरकार? कौन सी बात सरकार अड़ी हुई है? सरकार कहाँ अड़ी हुई है? मैं आप जी नु एक गल बड़ी स्पष्ट दस रही है कि सरकार ने सरकार की ओर से जो बात आई है वो वही की वही है जो जहाँ पे 8 तारीख को थी। उससे आगे आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई। वही प्रपोजल जो पहले थी और वो प्रपोजल, उस प्रपोजल के ऊपर विचार चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वो पूरे का पूरा एसकेएम बैठा है हमारा बाहर, उनके साथ जाकर बैठकर चर्चा करेंगे। और ये बात जरूर है कि हमारी मजबूरी बनेगी, अगर सरकार इसी तरीके से जिद्दी रवैया अख्तियार करती है तो फिर हमें मजबूर सुबह आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं कहना फिर वही गल है करो जड़ी गल बात लम्मी चली आ। हर गल हम लोगों ने लंबी बातचीत की है सरकार के साथ, हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई है। हमने सरकार का जो भाव देख लिया है, हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सीरियस है, हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं। और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते, हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए, सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है, वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें नहीं कुछ नहीं चाहती। आपको इस दलील से लगेगा 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए, हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है, आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया हम अपने दोनों फोरनों में उसका विचार करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और कल 10 बजे हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। कल 10 बजे जावांगे जी।